हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फास्ट में खाई जाने वाली एक ऐसी स्पेशल रेसिपी जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इस स्पेशल रेसिपी को जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने जिनको कि मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया है, दो हरी मिर्च और एक बड़ी साइज़ का उबला हुआ आलू, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और थोड़े से कड़ी पत्ते, लगभग 7 से 8। अब सबसे पहले हम मूंगफली के छिलके उतार लेंगे और इन सब चीज़ों को बारीक बारीक से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी भीगा हुआ साबूदाना जिसको कि मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर हरे धनिया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते इन सबको बारीक काट लिया है और यहाँ पर मूंगफली के छिलके भी उतार लिए हैं। अब हम यहाँ पर साबूदाने के अंदर इस उबले हुए आलू को ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मसल भी सकते हैं लेकिन उससे इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी आपकी रेसिपी में, इसीलिए आप इसे ग्रेट करके ही डालें आलू को। ये देखिए, मैंने पूरे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 2 चम्मच के करीब सिंघाड़े का आटा, 2 बड़ी साइज़ की चम्मच है ये, 2 चम्मच अगर आपके पास छोटी चम्मच है तो 2 से 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा ऐड करें, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच जीरा, जीरे को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालें ताकि इसका फ्लेवर जो है हमारी रेसिपी में बहुत अच्छे से आ सके। ये देखिए, मैंने जीरे को इसके अंदर क्रश करके डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, धनिया, कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये रोस्ट की हुई मूँगफली जिसके कि छिलके हम लोगों ने अच्छे से पहले से ही उतार लिए हैं और इसे थोड़ा क्रश भी कर लिया हमने। अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, हाथों को पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद हमें इस रेसिपी में एक बूंद भी पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू लिया है जिसके अंदर ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है, ऊपर से हमने इसके अंदर भीगे हुए साबूदाने लिए हैं जो कि बहुत अच्छे से भीगे हुए साबूदाने हैं, हमने इसे ओवरनाइट भिगो कर रखा था। अब हम इस मिक्सचर से छोटा छोटा सा पोर्शन उठाएंगे और बिल्कुल इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स आपको बना लेनी है। पहले इस तरह से आप इसकी बॉल बना लें और दोनों हाथ के बीच रख के इस तरह से हथेलियों के बीच में हल्का सा इसे प्रेस करें और कुछ इस तरीके से आपको इसका शेप देना है, छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है आपको। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। ये रेसिपी स्पेशली व्रत में खाई जाने वाली है, आप चाहे तो इसे नॉर्मली चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं कभी भी छोटी भूख में भी। ये देखिए, इस तरह से हमें सारी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। मैंने यहाँ पर 12 बॉल्स बनाई है एक कटोरी साबूदाने से जो कि 2 मेंबर के नाश्ते के लिए इनफ है, 2 लोग अपने फास्ट में इसे आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अप्पे वड़े के पोट को इस तरह से प्री हीट होने के लिए रख दिया है, मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाए इसके बाद हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आपने फ्राई किए हुए आलू साबूदाने वड़े तो खाए होंगे लेकिन आज हम आलू साबूदाने वड़े को अप्पे वड़े मेकर में बनाकर खाएंगे, इससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अलग आएगा और ये बिल्कुल ही अलग रेसिपी बनकर आएगी, बिल्कुल अलग से उभर के आएगी ये रेसिपी। ऐसा लगेगा जैसे कि आलू साबूदाने वड़े की बिल्कुल ही अलग रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये और बहुत ही फास्ट बनकर रेडी हो जाती है ये। और आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप इसके अंदर साबूदाना वड़ा रखते हैं तो आप सबसे पहले आप आउटर साइड में रखें, उसके बाद सेंटर में साबूदाने वड़े को रखें। इसका रीज़न ये है कि बीच वाले जो साबूदाने वड़े हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं और साइड वाले देर से पकते हैं, अगर आप पहले बीच वाले रखेंगे तो वो जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको इस रेसिपी को बनाना है, मीडियम फ्लेम भी आपको इसका नहीं करना है। मुश्किल से 2 मिनट बाद आप इसका ढक्कन हटाकर इसे चेक करें, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें ताकि जब हम इसे पलटें तब ये दूसरी तरफ से बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखिए, एक तरफ से ये हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, 2 मिनट बाद ही हम इसे अलट पलट कर देंगे। सबसे पहले आपको बीच वाले बड़ों को ही टर्न करना है, बीच वाली बॉल्स को ही टर्न करें पहले क्योंकि सबसे पहले वही सिककर तैयार होती है।
बीच वाली का कलर जो है चेंज हो गया था, इसलिए हम लोग सबसे पहले बीच वाली को टर्न कर रहे हैं। और आसपास वाले सर्कल वाला आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज नहीं हुआ है, अभी ये टर्न करने लायक नहीं है। अगर हम ज़बरदस्ती से टर्न करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इसका शेप बिगड़ जाए। ये देखिए मैंने एक टर्न करके देखा है, ये अच्छे से अलट पलट अभी नहीं हो रहे, इसलिए हम फिर से इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर जो है पहले से चेंज हो गया है, थोड़े से ट्रांसलूसेंट लग रहे हैं ये, क्योंकि इसके अंदर साबूदाना है और साबूदाने को जब हम थोड़ा सा भी पकाते हैं ढक्कन लगाकर तो उसका कलर ट्रांसलूसेंट हो जाता है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनने में, या फिर हाईएस्ट 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सिंघाड़े का आटा ऐड किया है। अगर सिर्फ आलू साबूदाना होता तो ये और भी जल्दी बनकर रेडी हो जाती, लेकिन सिंघाड़ा का आटा डालने की वजह से इसे हाईएस्ट 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इस रेसिपी को पूरे टाइम पकाना है हमें। ये देखिए मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं और हमारे वड़े बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप किसी भी व्रत में इसे एंजॉय कर सकते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो कि गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जो वड़े हैं वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही आप इसे खाएं, इससे कि ये बहुत अच्छे लगेंगे। एक वड़ा मैं आपको गर्मा गर्म तोड़कर बताती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये गीला गीला सा लगेगा। अगर आपको इस तरह से पसंद आता है तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे 8 से 10 मिनट बाद थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे खाना पसंद करती हूँ, उसके बाद ये बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह से आलू साबूदाना और सिंघाड़े का आटा इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाता है, उसके बाद आप इसे खाएं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है, स्पेशली व्रत में खाई जाने वाली रेसिपी है। आप अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर ये दे सकते हैं स्कूल में, आपके बच्चों को भी ये बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।